नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूँ पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। भारत ने पाकिस्तान जाने से किया इनकार तो शाहिद अफरीदी ने तपाक से कह दी बड़ी बात। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को दी गई है। ऐसे में भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी या नहीं ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने दावा किया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। इस बीच पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने भारतीय टीम और विराट कोहली को पाकिस्तान आने के लिए कहा है। अफरीदी ने कहा है कि भारतीय और पाकिस्तानी दोनों क्रिकेट टीमों को अतीत में एक दूसरे के फैन से प्यार मिला है और उन्होंने राजनीति को खेल से दूर रखने का आह्वान किया है। अफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान में विराट कोहली की बड़ी फैन फॉलोइंग है, खेल को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ क्रिकेट खेलो, इससे बेहतर राजनीति कुछ नहीं हो सकती है। दूसरी खेल की खबर की ओर बढ़ते बता दें, पेरिस जाने वाले खिलाड़ियों के उपकरण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए जाने वाले खिलाड़ियों और पैरा खिलाड़ियों के उपकरण खरीदने में सहायता से जुड़े कई प्रस्तावों को गुरुवार को मंजूरी दी। एमओसी ने पैरा निशानेबाजी मनीष नरवाल, रुद्रांश खंडेलवाल, रुबीना फ्रांसिस और श्री हर्ष आर देवरेड्डी के निशानेबाजी से संबंधित विभिन्न उपकरणों के अनुरोध को भी मंजूरी दे दी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कठिनाइयों का सामना करके हॉकी स्टार बने मनप्रीत सिंह ने किया बड़ा ऐलान। भारतीय हॉकी टीम के स्टार मिडफील्डर मनप्रीत सिंह ने कहा कि पेरिस ओलंपिक उनका आखिरी ओलंपिक होगा। मनप्रीत सिंह उस टीम के कप्तान थे जिसने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। मनप्रीत सिंह का करियर संघर्ष से भरा रहा है। मनप्रीत सिंह ने कहा कि वो आगामी ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेंगे। भारतीय टीम गोल्ड जीतना चाहेगी। स्पोर्ट्स बुलेटिन की अगली खबर की ओर रुख करते बता दें, खिलाड़ियों की मदद करेगी खेल प्रोत्साहन समिति। अमेठी सिटी में जिला खेल विकास व प्रोत्साहन समिति का गठन बृहस्पतिवार को विकास भवन सभागार में किया गया। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों व खिलाड़ियों सहित कुल 18 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। तय किया गया है कि जिले के खिलाड़ियों की मदद के लिए खेल प्रोत्साहन समिति कार्य करेगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ताइक्वांडो के 4 खिलाड़ियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। जिला ताइक्वांडो संघ के सचिव सत्यवर्धन सिंह ने बताया कि करीब 120 खिलाड़ियों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। इसमें ज्यादातर छात्र अपूर्ण आवेदन में छट गए। अंतिम चरण के लिए 20 खिलाड़ियों को चयनित किया गया है। पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन को देखने के लिए और लगातार देश विदेश के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पब्लिक एशिया न्यूज के साथ।